Hey guys, Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, जो कि है हमारे फेवरेट हसी टीवी से, और इसका टाइटल है फेमस स्कॉलर सेड इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है, तो आप लोग भी लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो गाइस अभी बहुत ज्यादा, एक पाकिस्तान की लड़की फेमस हुई है, ठीक है, और लोग उसको इतना, मतलब कोई उसमें खास बात तो नहीं था, ये चीज और फालतू का वो वायरल हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं देखा तो भाई उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लग गए, ठीक है। तो इसके बारे में जो इस्लाम क्या बोलता है, ये हसी भाई, मतलब हसी टीवी है, ठीक है, इनका नाम मेरे को तो पूरा याद नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं उनका शॉर्ट नेम है, नहीं उनका सरनेम है शायद, नहीं निकनेम है। ओके, तो हसी भाई ने बनाया है, और आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि हसी टीवी पे रिएक्शन लेके आओ, तो फाइनली आप लोगों के कहने पे हम लेके आए। तो देखते कैसा वीडियो होने वाला है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और इस वीडियो से, मतलब इस सॉन्ग से हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। यस, जब सोशल मीडिया को लोग बस एक दिन दो दिन चलता है, सही लगता है, उसके बाद बोर हो जाते हैं। चलो देखते हैं क्या ऐसा है। Are you joking? I'm saying not Pakistan. We have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? 15 years ago, it's not today, and I heard it's worse. 15 years ago, I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage. Probably hidden in a corner then, but I hear now it's open, drinking alcohol. What Muslim? Are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes, they're Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. Assalamu alaikum दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। यकीनन ये वीडियो कई दिन से सोशल मीडिया पर ना चाहते हुए भी आपकी नज़रों से बार बार गुजर रही होगी, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक लड़की जिसके बाल खुले हैं ना महरम मर्दों और औरतों के सामने ठुमके लगाती नजर आ रही है। और मेरी तरह पहली बार ये वीडियो देखकर शायद आपको भी लगा होगा कि इस लड़की ने कोई तो ऐसा कारनामा किया होगा जिसकी वजह से इसकी वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है, पर असल में हकीकत वही थी जो कि पिछली कई दहाइयों से इस कौम और नौजवान नस्ल के साथ हो रहा है कि इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास बिला वजह नहीं ख़त्म हो रही, बल्कि इसकी वजह यह है कि हमने दीनी इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी को म्यार बनाने की बजाय, ताकि दुनिया में हम इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस्लामी मुल्क के तौर पर खुद को पेश कर सकें, हमने ये सेलिब्रिटी क्लास पैदा कर लिया है जिनके पास ना कोई टैलेंट है और ना ही लोगों की जिंदगियों के अंदर ये कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि इस तरह की वायरल होने वाली हर वीडियो के अंदर अगर कोई लड़की है तो खसूसन इसे रोल मॉडल बनाकर कि जैसे इसने बहुत बड़ा कारनामा किया है, और ये कारनामा घर बैठी लड़कियों के लिए भी मोटिवेशन हो, इन्हें मॉर्निंग शोज के अंदर बुलाकर प्रमोट किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड बन चुका है कि इस मुल्क के अंदर ठुमके लगाकर इंटरनेट पर किसी भी तरह से वायरल हो जाओ और बाकी काम छोड़ दो मीडिया पर, जो कि अपनी रेटिंग के लिए आपको खुद प्रमोट करेगा, आपको इस मुजरे पर माशाल्लाह कहकर मोटिवेट भी करेगा। और माशाल्लाह बाल कितने प्यारे हैं। इनका पहला वीडियो देखा तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की डांस करी, फिर बाद में और मैं ये डांस किसी जगह पे मैं कराऊंगा, मुझे इतना पसंद आया, बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन डांस था ये, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई भी वो बुरी बात नहीं थी उस डांस में। मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज पे, जैसे आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नया ईजाद किया और मुल्क का सर फखर से बुलंद किया है, इसका पॉजिटिव चेहरा दुनिया में दिखाकर। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच चुकी है, हर रोज नई दरियाफ्तें दुनिया को हैरान कर रही हैं, और हम लोगों ने अपनी नौजवान नस्ल के लिए क्या तैयार किया है ये अभी भी समझ नहीं आया। तो एक बार टिकटॉक या बीगो लाइव जैसी एप्लीकेशन को खोलकर देख लें, आपको बेहतर तौर पर अंदाजा हो जाएगा। और यही वजह है कि इस मुल्क ने डॉक्टर अब्दुल कदीर के बाद से किसी साइंटिस्ट को नहीं देखा, कोई नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया, क्योंकि ना हम दीन के रहे हैं और ना ही दुनिया के। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि ये ज़मीन बहुत ही जरखेज़ है। मैं आपको इसकी कुछ मिसालें दिखा सकता हूँ। इस नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस जुर्म के अंदर कि इसने दुनिया की सिक्योर तरीन समझे जाने वाले ऑटो सॉफ्टवेयर को तोड़कर गाड़ियों को चुराना शुरू कर दिया था। इससे पहले दुनिया के अंदर कोई भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसा नहीं कर पाया। तो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की के कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के जरिए बिल्कुल नाकारा कर दिया। ये नौजवान टैलेंटेड, बासलाहियत और पढ़ा लिखा है। इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि दुनिया के सिक्योर तरीन सॉफ्टवेयर को भी तोड़कर ये उन्हें हैक कर सकता है, मगर शायद मजबूरी और बेरोजगारी के होते इस राह पर चल निकला है, क्योंकि इस मुल्क में टैलेंट की नहीं बल्कि मुजरों और ठुमकों की कदर है। सिर्फ इन्हीं लोगों को नेशनल लेवल पर पहचान मिलती है, जबकि ऐसे टैलेंटेड लोग डिसहार्ट होकर या डिमोटिवेट होकर जुर्म के रास्ते पर निकल जाते हैं। इनका ये टैलेंट दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता। कुछ ही दिन पहले एक पाकिस्तानी नौजवान ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि ये सेंस कर लेती है कि अगर सिग्नल पर कोई ट्रैफिक मौजूद है या मजीद सिग्नल के जरिए लोगों को रेड लाइट पर रोकने की ज़रूरत है या नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर रेड सिग्नल पर कोई भी मौजूद नहीं है, ये खाली है, तो ये फ़ौरन से सेंस करके बता देगा और ख़ुद ही सही सिग्नल को ग्रीन कर देगा। ये टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया के पास मौजूद नहीं है, पर यकीनन आपने इस नौजवान का नाम तक नहीं सुना होगा। किसी शो में बुलाना तो दूर की बात। एक नौजवान ने तो घर बैठकर पुर्जों से इलेक्ट्रिक कार और हवाई जहाज तक बना डाला। टेस्ला की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाली लिथियम आयन बैटरी से भी नेक्स्ट जनरेशन की बैटरी को तैयार कर लिया। मगर मजाल है कि ऐसे लोग कभी आपको मॉर्निंग शोज पर या मीडिया पर प्रमोट होते नजर आए कि इनकी हौसला अफजाई हो सके, बल्कि इसकी बजाय वाहियात किस्म की ड्रेसिंग और लिपसिंग पर डांस करने वाले लड़के लड़कियों को शोज के अंदर बुलाकर इन्हें ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे ये पाकिस्तान का फखर हो। इन लोगों ने कोई ऐसा कारनामा कर लिया है जो कि दुनिया के अंदर कोई और नहीं कर सका। हालांकि इन लोगों में सिरे से कोई टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट तो दरअसल है ही क्रिएटिविटी का नाम, और ये लोग तो इस पहले टेस्ट के अंदर ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी और के कंटेंट पर ये लोग लिपसिंग और डांस कर रहे हैं। इनका खुद का कुछ भी नहीं है। इस कौम को सेलिब्रिटीज ऐसे चाहिए। और ये बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना किसी किताब के अंदर लिखा हुआ कोई कानून नहीं, ना ही दुकान पर बिकने वाली कोई चीज़ का नाम है, बल्कि ये रियासत के लोगों से बनती है। आप लोग मिलकर इस रियासत को बनाएंगे। अगर ऐसे लोगों को देखकर इन्हें प्रमोट करेंगे तो ऐसे ही लोग इस रियासत का हिस्सा होंगे। आगे इनकी नस्लें भी बिल्कुल ऐसे ही मुजरा करने वाली पैदा होंगी, ना कि कोई इस्लामी लीडर। नस्ल दर नस्ल ये कौम बेहयाई और फाशी के अंदर डूबकर तबाह हो जाएगी। इस मुल्क में आप कैसे लोगों को यकीन दिलवाएंगे कि पढ़ने लिखने और कुछ क्रिएटिव करने से इंसान कामयाब होता है, क्योंकि अपनी नज़रों के सामने वो जो कुछ देख रहे हैं उनको कामयाबी का फार्मूला तो बस यही नज़र आता है कि किसी भी तरह से रातों रात फेमस हो जाएं, फिर चाहे उसके लिए जो कुछ मर्जी करना पड़े। ये शॉर्टकट सभी को चाहिए, जिससे इन्हें पैसा भी मिलेगा और ब्राइट फ्यूचर भी। हैरत होती है ऐसे माँ बाप पर जो कि अपनी बेटी को ऐसे लिबास के अंदर पूरी दुनिया के सामने नाचता देखकर फख्र महसूस कर रहे हैं। शादी ब्याह, यूनिवर्सिटीज़ और सोशल मीडिया, अब हर जगह पर आपको यही बेहयाई नजर आएगी और कोई इसे ऐब नहीं समझता। ये वो मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। इसे बाकी इस्लामी दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के इंटरनेशनल लेवल पर जब आलिम दीन को यह बताया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, तो इनका जो जवाब था वो यकीनन हम सब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। इनका कहना था कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कैसे मुसलमान? कहाँ के मुसलमान? मुझे याद है कि मैं 15 साल पहले एक पाकिस्तानी शादी के अंदर गया था, जहां पर मैंने देखा कि मर्द और औरतें आज़ाद घूम रहे हैं, दोनों एक साथ। दुल्हन स्टेज पर डांस कर रही है, सब नामहरम मर्दों के सामने, और मुझे यकीन है कि वहां पर साइड पर शराब भी पी जा रही थी। ये आज से 15 साल पहले की बात है, और आप अंदाजा लगाएं कि आज वहां पर क्या हालात होंगे। Are you joking? I'm saying not Pakistan has 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? What Muslim? I remember 15 years ago, it's not today, and I heard it's worse. 15 years ago, I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage with all the male members of the family dancing on the stage. I'm sure somewhere around, we probably hidden in a corner then, but I hear now it's open, drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes. पर हाँ, मुझे याद है कि सब नाच गाने के बाद जब दुल्हन रुखसत होने लगी थी तो इसके सर पर कुरान पाक था। ये कौन सा इस्लाम है? ऐसा कहाँ पर लिखा है? क्या ये कुरान लोगों के हिदायत के लिए आया था या फिर दुल्हन के सर पर रखकर चलने के लिए? ये इस्लाम और कुरान की बेहुरमती और मुनाफकत है कि कोई खुद को मुसलमान कहकर ये सब हराम काम करे। क्या इन सब हराम कामों के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि कुरान पाक इनको कोई फायदा देगा? बिल्कुल नहीं। When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. That's why the Muslims are in such a mess. मुस्लिम दुनिया इस्लाम से बहुत दूर हो चुकी है। हिंदुस्तान के मुसलमान दरगाह में जाकर मय्यत से दुआएं मांगते हैं कि ये इनके मुश्किल कुशा हैं। इनमें और बुत में क्या फ़र्क है? ये सीधा सीधा शिरक है। मैंने खुद देखा कि नमाज का टाइम था और अजान होने के बाद लोग नमाज पढ़ने के लिए आने के बजाय दरगाह पर पहुंच गए। ये सब क्या है? इन आलिम दीन का नाम है अब्दुल रहीम करीम, जो कि पहले क्रिश्चियन थे लेकिन बाद में इस्लाम से मुतासिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये आज के गुमराह मुसलमानों को क्या सिखा रहे हैं, जो कि मुसलमान के घरों के अंदर पैदा हुए मुसलमान माशरे में रहते हैं। आप खुद सुन लें कि इनका क्या कहना था। You find here in India, or I know it's not a Muslim country, but there are lots of Muslims here, but I don't know what sort of Muslim. Most of them go to the dargah and they call upon some dead person in the grave, and they think that by talking to a dead person they're going to have their needs fulfilled. What's the difference between that and worshipping an idol? There's no difference, believe me, it's shirk. अफसोस के आज के मुसलमानों का हाल ये हो चुका है। इसके साथ साथ अपने मुल्क का भी कंपैरिजन कर लें कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। गैर मुस्लिमों को हम इस्लामी मुल्क होने के बाद क्या इस्लाम पेश कर रहे हैं? क्या वो लोग इस इस्लाम से मुतासिर होंगे? बस अल्लाह हम पर रहम करे और हमारी कौम को हिदायत दे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार। यस गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और मैं ये बोलना चाह रहा था बीच में कि मैं बीच में इसलिए नहीं रोक के बोला गाइस, बहुत लोग बोलते हैं पहले वीडियो चलने दिया करो पूरा, उसके बाद फिर आप लोग बोला करो। तो उसमें वो ऐसा बोली ना, माशाल्लाह आपने अकेले ही डांस में मतलब डांस करने के लिए स्टेज में उतर गया, मतलब ये बहुत बड़ा देश के लिए अपने गोल्ड मेडल लेके आई है, ऐसा टाइप का बोला। इतना मतलब स्क्रिप्टेड रहता है ये सब शो, ठीक है। और साथ में ना मेरे को भाई वो जो लड़की थी ना, वो ऐसा मेरे को भाई ऐसा पूरा देखते हुए वीडियो को लग रहा है कि वो लड़की जानबूझ के ये डांस को सीखी है उस समय, या अपने मन से कर रही होगी और वो वीडियो जानबूझ के बनवा रही है, ठीक है। वो अपने जो भी रील्स टिकटॉक जिसके लिए भी बना रही हो, ठीक है, तभी तो वो डाली है। क्योंकि लड़की हाँ, अरे ये तो वो शूट करवा रही है, हाँ वही तो, वो लोग खुद से करवा रही है। ये तो ये इस पे ये गलत कर रही है ना, खुद से शूट करवा रही है। अचानक भयानक वायरल होता तो होता, ठीक है। तो ये भाई ये खुद ऐसा सिर्फ काम कर रही है लड़की। यस, ये वही तो वीडियो में बताया गया कि खुद से तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री बनने के लिए वो अलग हुआ है ना, इसलिए। तो बाकी तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है पूरी वीडियो में। और नहीं, बहुत सही चीज बोले वो क्रिश्चियन मैन जो थे, वो बाद में फिर इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत सही चीज बोले कि बहुत दरगाह में लोग मान रहे हैं, वहाँ पे सजदा कर रहे हैं, ठीक है, नमाज पढ़ने के टाइम में जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बोले। और दरगाह का जो दरगाह का जो वो है मतलब मुकाम, ठीक है, उसको क्या कर दिया, वो जमीन तौर पे रहता है ना, जमीन के बेसिक में रहता है, तो वो उसको ऊपर कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारी चीज है, बहुत सही चीज बोले। क्रिश्चियन मैन थे, ठीक है ना, बहुत सही मुस्लिम है वो। हाँ मुस्लिम मतलब पहले थे वो, फिर बाद में मुस्लिम बने, वो अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। हाँ आलिम वही। अब उतना उर्दू मेरे को नहीं आता है तो भाई तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप लोग इस चीज में क्या सोचते हो, ये आप लोग का राय क्या है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये तो बहुत अच्छी वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो इधर उधर, जहाँ भी आपकी फैमिली मेंबर है उनको, क्योंकि अच्छी चीजें फैलानी चाहिए, वो भी एक अच्छी चीज है। तो आप लोग जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।